सो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम शुरू करेंगे नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या करेंगे? नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन्स, नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे कि बेटा पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बता दिया था कि एल्केन जो होते, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। क्या बोलते हैं इनको? पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब लिटिल अफिनिटी, दे रिएक्ट वेरी लेस। और अगर ये रिएक्ट करते भी हैं तो उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि आपने हैलोजिनेशन में की थी, फ्री रेडिकल के थ्रू ही रिएक्शन होता है। ठीक, अब हम कर रहे हैं नाइट्रेशन। देखो बेटा, नाइट्रेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि लिक्विड फेज नाइट्रेशन इज अवॉइडेड। लिक्विड फेज नाइट्रेशन इज नॉट डन, इज नॉट डन। लिक्विड फेस नाइट्रेशन हम कभी नहीं करते बेटा। ठीक, व्हाई वी अवॉइड लिक्विड फेस? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड फेस नाइट्रेशन? यानी अगर नाइट्रिक एसिड को लिक्विड फेस में लेंगे, लिक्विड में लेंगे, हम वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इट गिव राइज टू पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स विच आर एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव होते हैं। अगर हमने लिक्विड फेस नाइट्रेशन की तो बेटा पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स बनते हैं विच आर एक्सप्लोसिव। जैसे दुनिया के किसी भी एक्सप्लोसिव का नाम लो जरा। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं टीएनटी। सुना होगा कभी टीएनटी? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएनटी? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो तीन नाइट्रो हुए कि नहीं? टीएनबी, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तीन नाइट्रो हुए कि नहीं? ठीक, आरडीएक्स, भाई ने बोला आरडीएक्स। आरडीएक्स में तीन नाइट्रो ग्रुप होते हैं, आरडीएक्स में भी तीन नाइट्रो ग्रुप होते हैं। एचएमएक्स में चार नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं। डायनामाइट सुना होगा? डायनामाइट की कॉम्पोजिशन क्या होती है? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल एंड डाई नाइट्रो ग्लाइकोल एब्सॉर्ब्ड इन अ पोरस अर्थ कॉल्ड एज कीसल घर। लाल बम चलाए कभी दिवाली पे? लाल बम के पीछे लाल सी मिट्टी होती है ना भाई, है ना? वो क्या होती है? वो मिट्टी नहीं होती है, वो कीसल घर होती है। पोरस अर्थ मिट्टी है एक तरह की, कीसल घर। उसके अंदर हम क्या करते हैं? डाई नाइट्रो ग्लाइकोल और ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल को एब्सॉर्ब करवाते हैं, तो डायनामाइट बनता है। पर यहां पे ट्राई नाइट्रो डाई नाइट्रो समझ में आ रहा है, यानी ये भी पॉलीनाइट्रो कंपाउंड है। तो जितने एक्सप्लोसिव मैंने अभी बोले, टीएनटी, टीएनबी, आरडीएक्स, एचएमएक्स, ठीक, या फिर डायनामाइट, ये सब क्या है हमारे पास? पॉलीनाइट्रो कंपाउंड है। तो अगर हमने लिक्विड फेज नाइट्रेशन की तो पॉलीनाइट्रो कंपाउंड बनेंगे, हमारी फोटो पे हार चढ़ जाएगा, तो वो हम चाहते नहीं है, इसलिए लिक्विड फेज नाइट्रेशन हम नहीं करते। वी ऑलवेज डू वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन। नो, व्हाट द हेल इज वेपर फेज नाइट्रेशन? बेटा वेपर फेज नाइट्रेशन में वी यूज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। नो, व्हाट द हेल इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड? डज इट मींस कि नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स होंगे? अगर नाइट्रिक एसिड के फ्यूम होंगे ना, तो बेटा बनाने वाले को भी मजे आ जाएंगे, है ना भाई? उस फ्यूम्स में खड़ा होना आसान होगा क्या? ठीक, तो ऑब्वियसली ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि उसके धुएं उठ रहे। एक्चुअली फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड विद इंप्योरिटीज ऑफ NO2, विद इंप्योरिटीज ऑफ NO2। ठीक, NO2 जो होता है ये इंप्योरिटी की तरह इसके फ्यूम्स उड़ते हैं, इसके फ्यूम्स होते हैं ब्राउन से कलर के, समझ में आई? तो उसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गया? और वेपर फेस में लेना है, वो क्लियर हो रहा है, इट इज वेपर फेस नाइट्रेशन, तो वेपर फेस में ही लेना है हमें आपको उसको। ठीक, अब अगली बात, लोअर एल्केन्स कैन नॉट बी नाइट्रेटेड। लोअर एल्केन्स कैन नॉट बी नाइट्रेटेड। जो छोटे एल्केन्स होते हैं उनकी नाइट्रेशन नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती बेटा? अगर छोटे एल्केन्स होते हैं ना, अगर उसकी नाइट्रेशन करें, अगेन जैसे फ्लोरिनेशन में पढ़ा था ना हमने, तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन में बहुत हीट निकलती है,
इससे कार्बन से कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं, कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनता। अगर लोअर एल्केन्स लेंगे तो कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट 6 कार्बन्स मस्ट बी टेकन, 6 कार्बन मस्ट बी टेकन, कम से कम 6 कार्बन लेने जरूरी है, मिनिममली 6 कार्बन्स, ठीक। पर बेटा अगर 6 कार्बन से करूंगा ना तो मेरे बच्चे जो 6 बाल है वो भी उड़ जाएंगे, ठीक। क्यों, थोड़ा मेरा दुख समझना, मैं 3 कार्बन से करके दिखा दूंगा, उसके बाद तुम मेरा दुख समझ जाओगे कि सर ने 6 कार्बन से करके क्यों नहीं दिखाया, ठीक। सी, अगर मान लो मैंने प्रोपेन ले लिया, क्या ले लिया, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, माइंड बहुत जोर से कि बेटा इसको हम नाइट्रेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, कम से कम 6 लेना होगा, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पलीफिकेशन, अपना दर्द समझाने के लिए तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक। इसमें मैंने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डाला, HNO3 और NO2। यहां तुम्हें यह भी क्लियर करूंगा कि NO2 क्यों डाला। देखो बेटे, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान देते हैं ताकि समझ में आए। देखो बेटे, इसमें हमारे पास अगर मैकेनिज्म की बात करते हो तो इसका फर्स्ट स्टेप फ्री रेडिकल का क्या होता है, इनिशिएशन, शुरुआत। शुरुआत में जो नाइट्रिक एसिड है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, नाइट्रिक एसिड तो है, HNO3 है, लिखा आगे पीछे करके मैंने, चलेगा ना। अब इसमें ये वाला बॉन्ड जो होता है वो टूटता है, इसकी होमोलिसिस होती है और एक बनता है OH फ्री रेडिकल और साथ में बनता है NO2, ठीक है जी। OH फ्री रेडिकल एल्केन से क्या निकालता है, H, एल्केन से क्या निकालता है, H, और बनाता है R फ्री रेडिकल, साथ में क्या बनेगा, H और OH जुड़ के क्या बनाते हैं सौम्या जी, H और OH जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, H और OH जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटे, वाटर, तो वाटर बन गया और साथ में अल्काइल फ्री रेडिकल। और बेटे इसमें भी अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है NO2 में, तो ये NO2 के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, RNO2, ऐसे करके नाइट्रो बनेंगे, ठीक। अब ध्यान देना, 3 कार्बन थे, नाइट्रो पहले कार्बन पे जुड़ सकता है, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2, एक प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, ठीक। दूसरा, क्या ये दूसरे कार्बन पे भी जुड़ सकता है, तो दूसरे कार्बन पे भी जुड़ सकता है, एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा बच्चे, है ना जी। अब बेटे मैंने बोला था इससे कार्बन से कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं, तो हो सकता है ये टूट जाए और 2 कार्बन लग और 1 कार्बन लग, तो 2 कार्बन का भी बनेगा CH3 CH2 NO2 और 1 कार्बन का अलग बनेगा ये, ठीक। पर कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक बेटा, रेडिकल तो OH भी और बचे होंगे, हमने कौन सा एक ही मॉलिक्यूल डाला होगा, है ना, तो इसकी जगह पे OH भी तो जुड़ सकते हैं, और इसकी जगह OH जुड़े हैं तो प्रोडक्ट ये भी बनेंगे CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है जी। इसकी जगह पे CH3 CH OH CH3, इसकी जगह पे CH3 CH2 OH, और यहां पे CH3 OH, ठीक। अल्कोहल्स भी बन जाएंगे, जैसे NO2 अटैक कर सकता है वैसे OH भी तो जुड़ सकता है इसके साथ, यहां पे NO2 जुड़ा तो OH भी तो जुड़ सकता है, अगर यहां OH भी जुड़ता तो बेटे क्या हमारे पास यहां पे ROH बनता कि नहीं, तो चारों बनते। मोर ओवर, एल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इससे वाटर निकल जाता है, तो एल्कोहल का जब यहां से OH और H निकालोगे तो एल्कीन बन जाता है, तो यहां एल्कीन ये भी बन गया, इसका भी सेम एल्कीन बनेगा, यहां से OH और यहां से एच, इसका भी एल्कीन OH और एच, एक एल्कीन ये बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो 3 कार्बन के कितने प्रोडक्ट बनाए सर ने, 4 नाइट्रो बना दिए, 4 एल्कोहल, 2 एल्कीन, 10। अगर मान लो
मैंने 6 कार्बन लिए होते तो पहले कार्बन पे नाइट्रो, दूसरे कार्बन पे नाइट्रो, तीसरे कार्बन पे नाइट्रो, पहले कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे OH, तीसरे कार्बन पे OH, फिर उनके एल्कीन, फिर वो 6 कार्बन आगे 5 और 1 में तोड़ते, फिर उसके प्रोडक्ट बनाते, फिर वो 6 वाला 4 और 2 में भी टूट सकता था, उसके भी प्रोडक्ट बनाते, 3 और 3 का भी टूट सकता था। तो भैया मेरे 6 बाल जाते कि नहीं जाते, है ना? इसलिए मेरा दर्द तुम समझ गए होंगे कि सर ने क्यों 3 कार्बन से ही बताया, बट दिस इज हाउ द नाइट्रेशन गोज। लेकिन अब यहां पे इसका क्या फंक्शन हुआ, व्हाई वी एडेड दिस? देखो बेटे, जैसे अगर ये हमने एक्स्ट्रा डाला है, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता, जितने ये बनते उतने ये बनने के चांसेस होते कि नहीं? जितना नाइट्रो बनता उतना OH बनने के चांसेस होते कि नहीं? है ना भाई? क्योंकि देखो बच्चे, जितने ये टूटा उतना ही ये टूटा ना, जितना ये बन रहा उतना ही ये बन रहा है, तो जितने नाइट्रो होते उतने एल्कोहल भी बनते। पर हम तो नाइट्रेशन करवा रहे थे ना, हमें नाइट्रो कंपाउंड ज्यादा चाहिए थे, तो हमने NO2 ऑलरेडी ज्यादा डाल दिया, एक्सेस में डाल दिया, ताकि इसके अटैक ज्यादा हो, OH के अटैक कम हो, मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाए, नाइट्रो, और माइनर प्रोडक्ट क्या रह जाए, एल्कोहल्स। तो नाइट्रो को बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज किया, NO2, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। बोलो बेटा, डिटेल क्लियर हुई नाइट्रेशन की? इसमें क्वेश्चन आएगा कि लिक्विड फेस नाइट्रेशन क्यों नहीं करते, व्हाई वी यूज वेपर फेस नाइट्रेशन? कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन? ठीक, और बाकी ये पूछ सकते, इसमें अल्कोहल्स भी बनते हैं, ठीक, तो वो क्यों बनते हैं, ये भी क्लियर है। सो ये तो था बेटा नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाँ जी ठीक, NO2 डालने का मकसद ये है कि नाइट्रो ज्यादा अटैक करे और नाइट्रो प्रोडक्ट्स ज्यादा बने, अल्कोहल्स कम बने, क्लियर। अब तीसरा रिएक्शन इसी तरह से हम लेंगे, सल्फोनेशन। क्या लेंगे? सल्फोनेशन। बेटा सल्फोनेशन अगेन सब कुछ वैसे नाइट्रेशन की तरह, लोअर एल्केन्स कैन नॉट बी सल्फोनेटेड, वी हैव टू यूज एटलीस्ट 6 कार्बन्स, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी यूज, ठीक, वी यूज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ व्हाट द हेल इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? बट इट इज H2SO4 प्लस इंप्यूरिटीज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द रिएक्शन इज वेरी सिंपल। देखो बेटे, हमने लिया यहां पे एल्केन, ठीक, सेम जैसे नाइट्रेशन है वैसे ही ये है, और बेटे जी हमने यहां पे ले लिया H2SO4, H2SO4 वैसे वाला है, और H2SO4 कैसे टूटेगा? क्या H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? ऐसे लिख सकता हूं, लिख ही सकता हूं, और इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, तोड़ के ऐसे बना सकता हूं OH फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल, क्यों जी? ठीक, इसीलिए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा डाली थी ताकि इसके अटैक ज्यादा हो, ठीक। तो अगर मैंने इसके अंदर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो सल्फोनेशन होगी, ये वाला ग्रुप जुड़ेगा RSO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड्स। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड्स। और वैसे ही बेटा जैसे नाइट्रेशन में प्रोडक्ट्स बनाए थे वैसे इसमें भी बना सकते, अल्कोहल भी बनेंगी, एल्कीन्स भी बनेंगी, ठीक है, और सल्फोनिक एसिड भी बनेगा, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, सब वही रहेगा, सेम एज नाइट्रेशन। बोलो क्लियर है? Yes, कोई दिक्कत है? नाइट्रेशन सल्फोनेशन, यस, व्हाट यू वांट टू आस्क? ऑब्वियसली लिक्विड फेज इसमें भी नहीं लेते हम, फ्यूमिंग पहले लिख दिया मैंने, एवरीथिंग इज सिमिलर to that of nitration. So this was sulfonation. उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो गया। Now अब चलते बेटे some special reactions of alkane. कुछ special से reaction alkane के, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे cracking, तोड़ना, है ना? Cracking को अपन लोग fragmentation भी बोल देते हैं, fragmentation. So this is also called as fragmentation, or it can also be called as pyrolysis.
बेटा पायरो मतलब हीट, दिस इज मतलब तोड़ना, हीट डाल के तोड़ना, वेरी सिंपल है भाई। मान लो मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया डेकेन, डेकेन क्या होगा डेकेन बेटा, C10H22 है ना जी, और मैंने इसको स्ट्रॉन्गली हीट दिया बेटा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे मान लो एक टुकड़ा ऑक्टेन बना, आठ कार्बन हो गए, बचे कितने, दो कार्बन, तो दूसरा दूसरा इथीन बन जाएगा। ठीक, एक टुकड़ा अगर हेक्सेन बना तो हेक्सेन में छह कार्बन, टोटल कितने थे, दस, दूसरा टुकड़ा ब्यूटीन बन जाएगा। अगर एक आपका प्रोपेन बना, दूसरा हेप्टीन बन जाएगा, यानी एक एल्केन एक एल्कीन। और ऐसा जरूरी नहीं, इसके आगे भी टुकड़े हो सकते हैं भाई, इट कैन बी इथेन प्रोपेन, ठीक, ऐसे करके टुकड़े मिल सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना, टुकड़े करना, वो कोई भी टुकड़े हो सकते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कोई एक हो, कितने भी इसके बन सकते हैं पीसेस, ठीक है। एंड इट इज नॉट अंडर कंट्रोल कि हम कौन से वाला बना सकते हैं इससे, कौन से वाला मेजर होगा माइनर होगा, हम नहीं कह सकते। और जब तोड़ ही रहे तो पूरी तरह तोड़ देंगे, जो टुकड़े हाथ में आएंगे लेके चल पड़ेंगे भाई, तो कोई खास बात इसमें है नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग और फ्रेगमेंटेशन और पायरोलिसिस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन, और एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन बेटा, चेंजिंग अ स्ट्रेट चेन एल्केन, चेंजिंग अ स्ट्रेट चेन एल्केन, अ स्ट्रेट चेन एल्केन इंटू साइक्लिक एंड देन एरोमैटिक कंपाउंड, एरोमैटिक कंपाउंड। किसी स्ट्रेट चेन एल्केन को हमने साइक्लिक या एरोमैटिक कंपाउंड में चेंज कर दिया, ठीक, पहले साइक्लिक फिर एरोमैटिक में चेंज कर दिया। जिसे मान लो मैंने पहले हेक्सेन ले लिया, हेक्सेन क्या हुआ, CH3, CH2, 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 CH3, हेक्सेन, यही हुआ ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, CH3, CH2, 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 CH3। बात तो वही है, चेन को ऐसे लिख दिया जलेबी की तरह सीधा, है ना भाई, बाकी वही बात है। अब इसमें एक स्पेसिफिक मिक्सचर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमेट मिक्सचर, क्या बोलते हैं, क्रोमेट मिक्सचर। क्रोमेट मिक्सचर क्या होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 और इसके साथ कोई भी मेटल का और ऑक्साइड, हेयर वी कैन टेक Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, हेयर वी कैन टेक अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3, हेयर वी कैन टेक जिंक ऑक्साइड ZnO। ये ऑक्साइड तो जरूरी है, क्रोमियम का ऑक्साइड तो जरूरी है, पर उसके साथ जो सपोर्टर है वो बेटा किसी भी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, एंड इवन इट मे बी कॉपर ऑक्साइड ऑल्सो, गॉट इट। इसकी प्रेजेंस में यहां से एच निकलेगा, यहां से एच निकलेगा, फर्स्ट स्टेप पे वी गेट अ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। So we have converted the state chain alkane into cyclic one, isn't it? हम माने नहीं, हम फिर हीट करते चले गए in the presence of chromate mixture, ठीक है जी। यहां से और हाइड्रोजन निकलेंगे, और हाइड्रोजन निकलेंगे, हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, this is an aromatic compound, isn't it?
So we have changed the straight chain alkane into cyclic, then into the aromatic compound. So this is called as aromatization. Yeah, reforming. मान लो हमने हेप्टेन ले लिया होता, क्या ले लिया होता? हेप्टेन. हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 7. ठीक, तो हेप्टेन हो गया C7H16. आपने इसको हीट किया Cr2O3 एंड Al2O3 और स्ट्रॉन्गली हीटा. बेटे आपको पता है 6 कार्बन वाला रिंग स्टेबल होता है, पता है ना ये? तो 6 कार्बन वाला रिंग बन जाएगा. यहां पे 7 कार्बन थे तो एक कार्बन टिंडी पे रह जाएगा. मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सर क्या यहां पे साइक्लोहेप्टेन नहीं बन सकता? बन सकता है बेटे, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि बड़े रिंग स्टेबल तो होते हैं पर उसमें दो एंड्स को पास लाना मुश्किल होता है. जैसे ये दो एंड पास लाए ना बेटा मैंने, अगर बड़ा एल्केन होता है तो उनके दो एंड्स को पास लाना मुश्किल होता है. बेटा दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन एम्स. ठीक, कि बड़े रिंग वाले जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं. ठीक, स्टेबल होते हैं, देन व्हाई कांट दे बी फॉर्म्ड? जितने ज्यादा कार्बन होते हैं ना उतना रिंग क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें एंगल का स्ट्रेन नहीं होगा. तो पूछा गया कि बड़े कार्बन के रिंग तो बनते हैं, देन रिंग स्टेबल, बट व्हाई कांट दे बी फॉर्म्ड? द थिंग इज टू एंड्स जो है उनको क्लोज लाना इज डिफिकल्ट. सो 6 कार्बन वाले रिंग सबसे स्टेबल और इजीली फॉर्म्ड होते हैं. इसलिए मैंने हेप्टेन का 7 कार्बन वाला रिंग नहीं बनाया, बल्कि 6 कार्बन का रिंग और एक टिंडी पर. समझ में आ गया? अब बेटे अगर आप बदतमीज हो जाओ और हीट करते चले जाओ, ठीक, तो क्या होगा? यहां पे और हाइड्रोजन निकल के क्या बन जाएगा? टॉलुइन. क्या बन जाएगा? टॉलुइन, CH3 बेंजीन की टिंडी पर. ठीक, इसको प्यार से बोलते टॉलुइन, तुम भले गुस्से से बोल लेना पर बोल लेना टॉलुइन मिथाइल बेंजीन. समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे वी हैव चेंज्ड अ स्टेट चेन एल्केन इनटू साइक्लिक एंड देन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड. सो दिस हेल थिंग इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन. गॉट इट और नॉट? बेटे मान ले तो 8 फुट का होता, अब तेरे को नीचे छूना पड़ता, वो आसन होता ना ये वाला, छू जरा, है ना, दो एंड्स को क्लोज लाना मुश्किल हो जाता है. जितनी बड़ी चेन होगी दो एंड्स को पास लाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर फार अपार्ट. व्हेन दे हैव टू बी टेकन क्लोजर लॉट्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड. गॉट इट? ठीक, तो बेटे ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे एरोमेटाइजेशन होती है. समटाइम्स इन एरोमेटाइजेशन इसकी जगह पर हम लोग प्लेटिनम यूज कर देते हैं. क्या यूज कर देते हैं? प्लेटिनम. एंड इफ वी यूज प्लेटिनम दिस विल बी कॉल्ड एज प्लेटफॉर्मिंग. क्या बोल देंगे? प्लेटफॉर्मिंग. तो अगर कोई तुमसे पूछता है प्लेटफॉर्मिंग क्या हुई, बोलना जी बहुत इजी, प्लेटफॉर्मिंग कोई चक्कर ही नहीं है. प्लेटफॉर्मिंग होती है प्लेटिनम की प्रेजेंस में. समझ में आई? अगर प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम की प्रेजेंस में प्लेटफॉर्मिंग होती है. ठीक है, ये रिफॉर्मिंग. बोलो ये क्लियर हो गया बच्चे कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया. नाउ एक रिएक्शन और होता है आइसोमराइजेशन. बेटा आइसोमराइजेशन अभी समझ नहीं आएगा, आगे जब मैं आपको करवाऊंगा ना शिफ्ट वगैरह तो समझ में आएगा, तो हम करवाएंगे आगे इसको. ठीक, ये जो एरोमेटाइजेशन है ना इसको लास्ट में कभी बताऊंगा कि कैसे एरोमेटाइजेशन एल्केन्स में की जा सकती है. ठीक, आइसोमराइजेशन, नॉट सॉरी एरोमेटाइजेशन तो हमने कर ली, आइसोमराइजेशन तो वो आगे बताएंगे. आइसोमराइजेशन कैसे की जाती है उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, अभी बुद्धि छोटी है. ठीक, थोड़ी बड़ी बनाने दो. पर इससे आगे अपन करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स. क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की ऑक्सीडेशन. प्लीज सी, देखो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन करवाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा ऑक्सीडेशन होती क्या है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यस लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है ना, एक सीरीज हमारे सामने आती है
मान लो मेरे पास CH3 था, ठीक है। मान लो इसकी मैं ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं और मैं मान रहा हूं कि ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। क्या हो रही है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है ना ब्रदर। तो यहां से दो हाइड्रोजन रिमूव हो है सिस्टर्स टू सिस्टर्स, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, ब्रदर्स बोला तो सिस्टर्स जो है नाराज होगी, हमारे को तो बुलाया ठीक। सो भाई यहां से एल्केन से दो एच निकाल दिए, क्या बना? एल्कीन। ऑक्सीडेशन ही हुई ना, हाइड्रोजन की रिमूवल क्या होती है? ऑक्सीडेशन हुई। आप और दो एच निकाल दो, क्या बनेगा? एल्काइन। क्या ये भी ऑक्सीडेशन हुई कि नहीं हुई? तो एल्केन की ऑक्सीडेशन से एल्कीन भी बन सकते हैं, उससे आगे एल्काइन भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बेटे मैं इसमें दूसरी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को समझूं कि ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन यहां ऐड किया तो बना CH3CH2OH है ना जी, ओ ऐड हो गया, अल्कोहल बन गए। तो बेटा एल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल भी बन सकते हैं। अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर हमने की यानी इससे हाइड्रोजन रिमूव किए तो ये बनाएगा CH3CHO यानी एल्डिहाइड्स। क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं बेटा। ठीक, कुछ नहीं गया, एक एच यहां एक एच यहां से निकाला, क्या देख रहा घूर घूर के? ठीक, एक एच यहां से निकला एक यहां से निकला, तो CHO रह गया कि नहीं? ठीक, अब फर्दर मैंने फिर से इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ये बन गया CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और आप माने ही नहीं, आपने इसको फिर फर्दर ऑक्सीडाइज, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जल गया पूरा भाई है ना। तो ऑक्सीडेशन की दो सीरीज हो सकती है एल्कीन की, एक हाइड्रोजन रिमूव करके एल्कीन बना के एल्काइन बनाना, और दूसरा ऑक्सीजन ऐड करके अल्कोहल बना के फिर एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, और अगर जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना। क्लियर? अब बात यह है हम क्या करें। देखो बेटा इस साइड ना रिएक्शन ले जाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बेटा? ये नॉन पोलर कंपाउंड है तो इससे हाइड्रोजन अदरवाइज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। बॉन्ड में थोड़ी पोलैरिटी हो तो टूटना आसान होता है, जब पोलैरिटी नहीं होती तो टूटना थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि ऐसा कर नहीं सकते, हम करते हैं पर ऐसा जनरली होता नहीं। हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लगाते जो ऑक्सीजन देता है तो ये वाली सीरीज फॉलो होती है बेसिकली कि एल्केन को ऑक्सीडाइज करो तो क्या बनता है हमारे पास? एल्कोहल। एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर नहीं माने तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जैसे प्यारे बच्चों मैंने ले लिया मीथेन। क्या ले लिया? मीथेन। अब इसमें मैंने सबसे पहले एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया कॉपर। कॉपर इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटे आपको मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में एक सीरीज याद करवाई थी, लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है CUHJJUF। नहीं भी याद है उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्लस टू में तो सारा दोबारा करवाना ही है। ठीक, तो बेसिकली हाइड्रोजन के बाद शुरू होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाइड्रोजन के बाद क्या शुरू होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और हाइड्रोजन के जस्ट बाद इस सीरीज में आता है कॉपर। हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्या आता है? कॉपर। तो कॉपर इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले स्टेप तक ऑक्सीडेशन करेगा। पहले स्टेप की ऑक्सीडेशन कहां तक रुकेगी? कहां तक? अल्कोहल तक। तो बेटा इसमें क्या बनेगा? CH3OH मिथाइल अल्कोहल। सर ऑक्सीजन कहां से आया? ओ भैया कल्ला कॉपर क्या करेगा, एयर उयर तो होगी। एयर और कॉपर तो सिर्फ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे यार ऑक्सीडाइज करने के लिए एयर वेयर तो चाहिए होगी। वो तो समझ में आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगी कहीं पर, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे आया। कॉपर में से ऑक्सीजन नहीं निकला है, समझ में आई बात? क्लियर। बट अगर कॉपर की प्रेजेंस में हीट करो तो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फर्स्ट स्टेप तक रिएक्शन गया, अल्कोहल बना। अब मैं इसे थोड़ा स्ट्रॉन्गर ले लेता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर ले लिया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या ले लिया?
MOO मॉलिब्डेनम ऑक्साइड. नो स्ट्रॉन्गर क्यों है, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीन है और यहां मॉलिब्डेनम प्लस टू स्टेट में भी है. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं. कॉपर के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज था? नहीं था ना भाई. मॉलिब्डेनम पे प्लस टू है तो ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं. तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो गया कि नहीं. ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया. एक स्टेप आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे क्या आएगा? एल्डिहाइड. एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनता है? HCHO. दो कार्बन होता तो बनता CH3CHO. समझ में आती है बात? क्लियर बच्चा लोग? अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग जाना चाहते हो भाई, तो आपने ले लिया मैंगनीज स्टीरिएट. क्या ले लिया? मैंगनीज स्टीरिएट. एस्टर है एक, और भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो और स्ट्रॉन्ग है तो एक स्टेप और आगे बढ़ो. एक स्टेप आगे और क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCOOH. अगर दो कार्बन होते CH3COOH. क्लियर बेटे? एल्केन्स में KMnO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते. ठीक, KMnO4 K2Cr2O7 एटसेट्रा कैन नॉट ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज एल्केन्स. क्यों बेटा? बेटे ये KMnO4 वगैरह ना किसी पोलर चीज की ऑक्सीडेशन आसानी से करते हैं, या जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड हो वहां पे ऑक्सीडेशन आसानी से करते हैं. अब ये तो नॉन पोलर है भाई, और ये रिएजेंट अपने आप पोलर हैं. समझ में आई? तो ये इनके ऑक्सीडेशन नहीं करते. हाँ, रिएक्टिव एल्केन अगर हो तो वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाता है. रिएक्टिव एल्केन, reactive alkane can be oxidized by KMnO4. अब obviously पेट में तितलियां. reactive alkane क्या हुआ बेटा? reactive alkane जिसमें tertiary group हो, reactive alkane जिसमें tertiary group हो, जैसे कि CH3 और H. टर्शियरी एल्केन, इसमें टर्शियरी कार्बन हो गया. C से H का बॉन्ड इज वीक, देन C टू C बॉन्ड, तो टूटेगा कौन सा? C से H बॉन्ड. और KMnO4 इसमें डाला मैंने रिएक्शन के लिए, पर क्योंकि KMnO4 इसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन करता नहीं था तो इसकी ऑक्सीडेशन भी ज्यादा नहीं होगी, एक ही स्टेप तक होगी. एक स्टेप तक क्या बनता है? एक स्टेप तक क्या बनता है? तो क्या बनाओगे इसका? अल्कोहल. क्या बनाओगे? अल्कोहल. बोलो क्लियर बच्चे? समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल कहानी यह है कि अगर आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कॉपर वॉपर लगा दिया तो फर्स्ट स्टेप तक रुक जाना, दैट इज अल्कोहल्स. अगर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड जैसा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ना, एल्डिहाइड्स. अगर मैग्नीज सीरीज जैसा देखोगे और भी स्ट्रॉन्गर होता है तो वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. KMnO4 इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन रिएक्टिव एल्केन जो होते हैं जिसमें टर्शरी ग्रुप होते हैं उनको KMnO4 बड़ी मुश्किल से ऑक्सीडाइज कर देता है टू वन स्टेप, एंड दैट वन स्टेप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स. क्लियर? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, MOO. मॉलिब्डेनम इज एन एलिमेंट ना, MO उसका सिंबल ना. ठीक, तो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड. बोलो क्लियर? अब भैया अपने को आ गया गुस्सा, बोला एल्केन को जलाई देना है. तो एल्केन को जलाओगे तो क्या मिलेगा यार? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ना. मान लो जी मीथेन को जलाने लगे हुए हैं तुम लोग, तो जला दो, मेरे से क्या पूछ रहे? क्या बनाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक, थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लेना. ठीक, बैलेंस हो गया, बहुत सारी हीट रिलीज हुई, इसलिए तो मीथेन फ्यूल की तरह गैस में यूज होता है, नेचुरल गैस में यूज होता है ना मीथेन. हाँ जी, ऐसे इथेन ब्यूटेन उससे सभी को ऐसे जलाएंगे तो ऐसा होगा.
पर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी आपने, ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी, तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और क्या होगा, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आई एम नॉट बैलेंसिंग नाउ, यू कैन बैलेंस दैट, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होगी, लेस ऑक्सीजन, ठीक। और मान लो और भी कम कर दो ऑक्सीजन की सप्लाई, वेरी लेस, तो क्या होगा, कार्बन प्लस वाटर, सिंपल है। तो बेसिक बात क्या है कि हाइड्रोकार्बन कोई भी जलाओगे बैलेंस तो करना ही जाएगा, हाँ जी कर लोगे बैलेंस, तो बैलेंस कर लेना इसको, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर बनेगा, अगर और भी कम हुई तो कार्बन एंड वाटर बनेगा। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। उम्मीद करता हूं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी, कि एल्केन्स जो है उसमें मैंने आपको हैलोजिनेशन करवाया था पहले दिन, पूरा एक दिन लगा करके, लोग एक दिन में पूरा एल्केन खत्म करवा देते हैं, मैंने एक दिन में सिर्फ क्या करवाया था, हैलोजिनेशन, ठीक। और उसके बाद आज मैंने तुम्हें करवाया फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन वी स्टार्टेड विद दैट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्रैकिंग, एरोमेटाइजेशन, ठीक, एंड देन वी डिड ऑक्सीडेशन, वी लेफ्ट वन थिंग, आइसोमेराइजेशन, ठीक। सो आइसोमेराइजेशन जो है ना बेटा, ये आपको अगली क्लास में, या अभी बता देता हूं, समय थोड़ा सा है, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक, लेकिन इतना कभी मुश्किल नहीं होता है, ठीक। देखो बेटा, आइसोमराइजेशन भी यहीं करवा मरता हूं, आइसोमराइजेशन इन एल्केन्स। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या, आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करना, आइसोमर बनाना, ठीक। मान लो मेरे पास था ब्यूटेन, क्या था, ब्यूटेन, और ब्यूटेन के ऊपर मैं कोई लगाऊंगा लुईस एसिड, लाइक AlCl3, लाइक AlCl3, यू कैन यूज FeCl3, कोई भी लुईस एसिड चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, समझ में आई, सो दिस इज कॉल्ड एज लुईस एसिड। अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर होगा ना बेटे, तो वहां तुम्हें समझ में आएगा लुईस एसिड होता क्या है, अभी तक तुम्हें लुईस एसिड पता ही नहीं है। लुईस एसिड, एसिड वही होते जो, लुईस एसिड वो होते जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो लुईस एसिड AlCl3 भूखा नंगा होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, क्लोरीन, देखो अल्मोनियम के आसपास 3 क्लोरीन लगे हैं, तो अल्मोनियम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, है ना, किसी आदमी ने हमें बताया था कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, है ना, पर यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसकी नीत तो गंदी होगी ना, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ना ये, तो ये क्या करता है, ये इस पे अटैक कर मरता है, ठीक। और जब इससे अटैक करता है तो अटैक करके यहां से CH3 को निकाल लेता है, किसको निकाल लेता है, CH3 को, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CHH CH2 1 पॉजिटिव, और साथ में क्या बन जाएगा, AlCl3CH3, ठीक है जी, ये नेगेटिव वाला होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। अब बेटा देखो ऐसा हुआ कि ये बन गया, आपको बेटे मैंने कार्बोकोटाइन का फेट बताया था ना, कि कार्बोकोटाइन एकमात्र ऐसी स्पीशीज है जो रीअरेंज होती है, रीअरेंजमेंट्स इन कार्बोकोटाइन बताया था, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, सब कुछ करवाया था आपको, या तो सर कुछ भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो उसके अगले कार्बन पे नजर डालने का, इस पे दो एच थे, अगर इस एच को बेटे मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा, CH3CH1 पॉजिटिव CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बोलते थे इसको, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते थे, हाइड्राइड शिफ्ट, याद आ जाना चाहिए आपको,
देखो बेटे, पहले वाला जो कार्बोकोटाइन आप देख रहे हो वो एक प्राइमरी कार्बोकोटाइन है कि नहीं? और ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकोटाइन है। ये कैसा है? सेकेंडरी कार्बोकोटाइन है। समझ में आई बेटा बात? कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी किस पे देखी जाती है? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन पे, यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अगले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, ज्यादा लगे होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें कितने हाइड्रोजन लगे थे? दो। तो यहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे बेटा, और अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन इधर, तीन इधर, कितने हैं? सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला लेस स्टेबल था, ये वाला जो था हमारे पास कटायन प्राइमरी, वो एक लेस स्टेबल कटायन था, और इसमें रीअरेंजमेंट होने से ये कैसा बन गया? मोर स्टेबल बन गया कि नहीं बन गया? हां जी, क्लियर। एक कहानी सुनाता हूं। ये ओजस्व जो है ना, ये यहां से अभी 7 बजे क्लास लगा के 6:30 बजे क्लास लेके घर जा रहा होता है ना, अंधेरी गलियों से निकल रहा है, और रास्ते में एक दिन क्या हुआ कि इसको चोरों ने पकड़ लिया है ना, इसकी घड़ी वड़ी छीन ली, टोपी टोपी ले गए, ठीक, जैकेट वैकेट उतार के ले गए, बस वो कुछ चीजें रखी, ठीक, और जस्ट रोता रोता घर चला गया। अब घर जब गया, इसने कसम खा ली मैं बदला जरूर लूंगा। इसने उस दिन के बाद खूब बादाम खाए, खूब दंड पेले, जिम ज्वाइन कर लिया, और जिम ज्वाइन करने के बाद कोई 2-3 महीने बाद फिर हट्टा कट्टा बन गया, और फिर उसी गली में दोबारा गया, बोलता लाओ मेरी घड़ी वापिस। अभी हट्टा कट्टा हो गया था भाई, चोर बेचारे वैसे ही है ना, तो बेचारे चोरों ने डर के वापिस घड़ी दे दी, टोपी भी वापिस दे दी, जैकेट भी दे दी, सब कुछ वापिस मिल गया है ना भाई, क्यों? ये पहले के मुकाबले स्टेबल हो गया था, है ना, देख ही रहे हो तुम। अब यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, पहले इस चोर ने क्या किया, अल्काइल ग्रुप को छीन लिया है ना, ये कटायन बेचारा स्टेबल नहीं था, रोता रोता घर चला गया, फिर इसने हाइड्राइड शिफ्ट करके स्टेबल बन गया, स्टेबल बना तो इससे इसके पीछे पड़ गया, ला मेरा मिथाइल वापिस, है भाई, क्या बोला? ला मेरा मिथाइल वापिस। तो अब इसको मिथाइल देना पड़ेगा डर के मारे, तो इसने ये मिथाइल यहां दे दिया है ना जी, पर अब ये पॉजिटिव पे जुड़ेगा ना, क्योंकि मिथाइल कैसा था? नेगेटिव। किस पे जुड़ेगा? पॉजिटिव पे जुड़ेगा ना। तो क्या हुआ कि CH3 बन गया, बन गया कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टिल सेम, यानी इसको हमने किस में चेंज कर दिया? इसको हमने इस कंपाउंड में चेंज कर दिया जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे के क्या बने? आइसोमर। तो इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं? तो कभी भी किसी एल्केन को जब हम लुईस एसिड में डालते हैं, वो एक ज्यादा स्टेबल एल्केन बन जाता है, उसमें इस तरह की रीअरेंजमेंट होती है, ठीक। AlCl3 को तो ठुड्डा मिलना ही मिलना है, ठीक है जी, वो तो बाहर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, जिसने शुरुआत में शरारत की उसको तो ठुड मिलेगा ही मिलेगा, पंगा इसी ने लिया था शुरू में तो ठुड्डा भी इसी ने खाना एंड में, जब तक ऐसा ना हो तब तक ऑर्गेनिक रिएक्शन पूरा नहीं होता है, ये समझ लेना है ना। तो इसने शुरुआत की थी और इसी को सजा मिली, इसको तो बाहर निकाल दिया गया, पर इन दैट प्रोग्राम क्या हुआ कि ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। तो ऐसे कभी भी एल्केन को किसी लुईस एसिड में डालते हैं तो एक लेसर स्टेबल एल्केन चेंजेस टू अ मोर स्टेबल एल्केन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। ऑनलाइन वाले बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलने का। ओके, थैंक यू बच्चों। तो आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे, क्यों? एल्कीन शुरू नहीं करेंगे, अभी टाइम है, टाइम है अभी, बट एल्कीन जो है एक अलग से शुरू करने वाला टॉपिक होगा, सो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद दैट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।